हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से, लेकिन ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आज के बाद भागवती के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और भागवती के लिए भी। तो जो कल भागवती ने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे बेटी से लोग बाग अपना काम कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरी बेटी का बर्थडे है आज, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया होगा, ये नहीं किया होगा, मेरी बेटी से घरों अपने लोग अपने घरों काम कराते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। रात ही मैंने फ़ोटो शेयर की थी दो, तो उसके बाद मुझे लगा कि वीडियो पहले मैंने रात शेयर नहीं की थी, पर मुझे लगा कि शेयर करनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने शेयर की है। देखो, किसी के साथ भी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरा काम है रिएक्शन देना तो सो मैं देती हूँ। लेकिन भागवती के ऊपर हो सकता है कुछ ज़्यादा रिएक्शन दिए गए हों, तो लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जो भागवती जैसे बोल रही है कि मेरी बेटी के साथ ये काम किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, ये सब गलतफहमी है। बच्चों को बहुत प्यार से रखा जाता है और वो आपको जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें प्रूफ भी हो जाएगा। मैं ना तो किसी को सही बता रही हूँ, ना मैं यहाँ किसी को गलत बता रही हूँ। जो सही है या गलत है वो ऊपर वाला देख रहा है, वो सब जानता है कि कौन सही है कौन गलत है और किसके साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब जानता है। मैंने सिर्फ यहाँ वीडियो बनानी इसलिए जरूर समझी और इसलिए ही मैं ये क्लिप जो है 3 मिनट की वीडियो है ये इसलिए ही अपलोड करूँगी, ये दिखाने के लिए कि अगर भागवती को लगता है कि वो आ गई है अपने बच्चों को छोड़कर, तो बच्चों के साथ बहुत गलत बिहेव हो रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बच्चों को खाना पीना नहीं दिया जा रहा, बच्चों के साथ नौकरों वाला बिहेवियर किया जा रहा है, उनके साथ नौकरों वाला काम किया जा रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं डालना चाहती हूँ, ना इसमें कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। अगर भागवती सच में बच्चों से प्यार करती है और माँ वाली फीलिंग उसके अंदर है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ। और जैसे कल वो रात रो रही थी अपने बच्चों को लेकर, तो उसको लेकर थोड़ी मैं भी इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने वो फोटो शेयर की थी और उसी के चलते मैं ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ किसी को गलत कह रही हूँ, ना किसी को सही प्रूफ कर रही हूँ, ना किसी को गलत प्रूफ कर रही हूँ। ये जो वीडियो है सिर्फ ये भागवती के लिए इसलिए दिखाना चाह रही हूँ और आप लोगों को भी सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि भागवती की बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। गाँव वाले घर वाले सब उससे बहुत प्यार करते हैं, लोग एक एक केक काटते होंगे, डोली ने दो केक की कटिंग की और उसके घर में सब लोग आए थे, सब ने बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया, जैसे होता है बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो वही वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपके दिमाग में जो गलतफहमी है ना कि बच्चों को नौकर की तरह जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा ससुराल होता है, किसी के ऊपर नहीं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, जो हमारा ससुराल होता है, जो हमारा मतलब जहाँ से हम रहते हैं, अगर हमारे चांस हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो किसी ससुराल वाले की हिम्मत नहीं होती है कि आपको ससुराल से बाहर निकाल दे, क्योंकि आपके जहाँ आप रह रहे हो ना अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड के बाद वो सब कुछ आपका है और कानूनी रूप से आपका है। अगर आपके ऊपर कोई जबरदस्ती कर भी रहा है कि हमारे घर से निकल जाओ या फिर यहाँ पर मत रहो, तो हम लोग कानून का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है यार, किसी की औकात नहीं है कि कोई भी क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं होती ससुराल में कि किसी औरत का पति मर जाए तो उस औरत को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो घर उस पति के बाद उस औरत का है, तो कोई भी उस औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर कोई करता भी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, औरत जो होती है वो गवर्नमेंट की कानून की हेल्प ले सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर रही है कोई औरत, अपने आप ही जा रही है, ऐसा नहीं कर रही है कि उसको घर से निकाला जा रहा है और कानून का साथ नहीं ले रही है या फिर कह रही है कि मुझे उसके घर से निकाला, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि पति की जगह पत्नी है अगर उस घर में, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता है और ना ही कभी कोई किसी के बच्चे को भड़का सकता है और ना ही उनका ब्रेन वॉश कर सकता है, क्योंकि माँ जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है बच्चों के लिए। बच्चे वही करते हैं जो उनकी माँ कहती है, बच्चों को माँ से कभी कोई अलग नहीं कर सकता
और ना ही माँ को बच्चों से अलग कर सकता है। किसी में हिम्मत ही नहीं है कि कोई ऐसा कर दे। अगर ये लोग अलग होते, बच्चे या माँ अगर आपस में अलग हो रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के कारण से। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो होते नहीं है कि उनको लॉलीपॉप दे दो, भगा दो। बच्चे सब समझदार है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। ये बात मैं किसी को ऊपर नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि कोई भी किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ससुराल में औरत के साथ, तो वो कानून का सहारा ले सकती है। लेकिन अगर वो कानून का सहारा नहीं ले रही है और अपने आप ही घर छोड़ के जा रही है, तो उसमें फिर कानून भी कुछ नहीं कर सकता। और रही बच्चों की बात, तो बच्चियाँ भागीरथी की थी, भागीरथी की है और भागीरथी की ही रहेंगी। भागवत बच्चियाँ मनोज भैया और भागीरथी की बेटियाँ हैं और उनकी ही हमेशा रहेंगी। अगर हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर भी हम उनकी माँ नहीं बन जाएंगे, ना ही हम उनकी माँ कहलाएंगे। माँ वो उनकी माँ जो है वो भागीरथी ही कहलाती है और हमेशा कहलाएगी। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू ना तो मैं किसी को कुछ गलत कहना चाहती हूँ और ना ही किसी को कुछ सही कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक माँ की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को चलते मैं सिर्फ ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, जो एक लड़की है सिमुदा हिमालय गर्ल, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो जो हर किसी को बद्दुआ देती है, मुझे भी कई बद्दुआ दी गई हैं कि तुम्हारा वंश उजड़ जाए, तेरा बच्चा मर जाए, तेरा पति मर जाए, तू कीड़े पड़ के मरे, तेरी लड़की धंधा करने लग जाए, तू ये करने लग जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, तेरे घर में आग लग जाए, तेरा पति मर जाए। गीता को भी बोला गया है, वो लड़की किसी को बद्दुआ देती है, गीता को भी बोला गया है कि इसका कभी बच्चा नसीब ना हो, ये बांझ हो जाए, और इसके कभी बच्चे ना हो, ये बांझ हो जाए, ये कीड़े पड़ के मरे, इसके पति मर जाए, इसका घर वाले मर जाए, इसके माँ बाप मर जाए, बहुत कुछ बोला गया है। तो मैं लाल लहंगा चढ़ाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो मैं सिर्फ इस लड़की को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जुबान हमारे भी है, हम भी बोल सकते हैं कि जो सिमुदा हिमालय गर्ल है, इसकी जो आईडी है, किसी भी नाम, कोई भी नाम है, हम सिमुदा हिमालय गर्ल के नाम जानते हैं इसको। ये जो भी है, इसका इसकी कभी शादी ना हो, इससे कभी अगर इसकी शादी हो जाए तो शादी के तुरंत बाद इसका पति मर जाए, इसके कभी बच्चे ना हो, ये बांझ हो जाए, इसके माँ बाप मर जाएँ, इसके सास ससुर मर जाएँ, इसके पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, इसका पूरा खानदान मर जाए। बोलने को ये हम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसने मुझे कई बार बोला है, मैंने आज तक नहीं इसका आंसर दिया है और ना कभी दूंगी। क्योंकि अगर हम जैसे ये बद्दुआएं देती है हमें, अगर हम भी इसको ऐसी बद्दुआएं देने लग जाए, तो फिर इसमें और हमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। फिर इसमें और हमें क्या फ़र्क, अगर जो लैंग्वेज ही हमारे लिए यूज कर दी, अगर वो लैंग्वेज हम इसके लिए भी यूज करें, तो फिर इसमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा, क्या अंतर रहेगा हमें। जिस कैटेगरी में वो है, उस कैटेगरी में ही हम आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने हमेशा इग्नोर किया है, लेकिन सिर्फ एक बात बोलना चाह रही हूँ कि जैसे तुम बद्दुआ देती हो ना हर किसी को, बद्दुआ एक माँ भी दे सकती है, एक लड़की भी दे सकती है, मैं भी बद्दुआ दे सकती हूँ तुमको, लेकिन मैंने ना तो आज तक कभी दी और ना कभी दूंगी। क्योंकि किसी की बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो हमारे लेखा में भगवान ने लिखा है। भगवान ने जो हमारे लेखे में लिखा है, हमें वही नसीब होगा, ना तो उससे ज़्यादा नसीब होगा, ना उससे कम नसीब होगा। उसने जितनी हमारे पति की, हमारे बच्चों की उम्र लिखी है, उतनी ही उम्र होगी, ना तो उसे तुम कम कर सकती हो, ना कोई कम कर सकता है। क्योंकि हमारा जो लेखा जोखा होता है ना, भगवान के हाथ में होता है, और जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से उसका सब कुछ लिखा रहता है कब इसके साथ क्या होगा। तो शायद इसलिए ही मुझे तुम्हारी ये बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बुरा लगता, लेकिन फिर भी तुम्हारे से बड़ी हूँ, तुम्हें ये समझाना चाहूँगी कि इस तरह की बद्दुआ किसी को मत दिया करो। क्योंकि कभी कभी बद्दुआ ना अपने ऊपर ही हावी हो जाती हैं। अब जो बद्दुआ तुम दूसरों को देती हो ना, कभी कभी बद्दुआ तुम्हारे अपने ऊपर भी हावी हो सकती हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज ना यूज करो, उस तरह की बद्दुआ ना दो, तो अच्छा होगा। बाकी मुझे पता है तुम्हें मेरी बात ये बुरी लगेगी, तो मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल यही है कि किसी को इस तरह से बद्दुआ मत दो कि अगले के मुँह से भी ये बद्दुआएं निकल जाएं। और बद्दुआ से होता कुछ नहीं है, क्योंकि होगा वही जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा है। लेकिन फिर भी आप खुद फील करके देखो कि जैसे मैंने बोला कि तेरा पति मर जाए, तेरी शादी ना हो, तो शादी हो जाए, पहले विधवा हो जाए, तेरे बच्चे ना हो, तू बांझ हो जाए, तेरा घर मर जाए, तेरा सब कुछ मर जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें बोला जाए तो। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगी तुम्हें ये शब्द, क्योंकि ये मेरी उसमें ही नहीं आते हैं। और अगर मैं भी यही भाषा यूज करूँगी तुम्हारे लिए, तो तुम में और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। बाकी इस वीडियो का यहीं पर एंड नहीं करेंगे, आगे मैं वो वीडियो लगाऊंगी जहाँ पर मौली का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। थोड़ी गढ़वाली भाषा है, मुझे सारी गढ़वाली भाषा समझ में नहीं आती है, कुछ आती है कुछ नहीं आती है,
तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि आप लोग गढ़वाली हैं तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि उस वीडियो में क्या वार्तालाप हो रही है और कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो और रही लड़ाई झगड़े की बात, तो बोलूँगी लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। यूट्यूब की लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई किसी की नहीं है। और समय आने पर अगर किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको सपोर्ट हमेशा करूँगी। बाकी चलते रहिए। मैं भारती की टॉपिक पर कोई वीडियो ना तो बनाना चाहती थी ना बनाना चाहूँगी। ये वीडियो सिर्फ बनानी मजबूरी थी क्योंकि आप लोगों को सच्चाई दिखानी थी, क्योंकि कुछ लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भारती की बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनको नौकर की तरह पेश किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं। सॉरी, आप भी वीडियो देख लीजिए उसके बाद फिर एंड करेंगे। कट नहीं हो वीडियो बनाना, वीडियो वीडियो अगली बार वोट तो ग्रूमेंट है दोनों बहने मनो को क्या बन रहे तुम? और बिस्कुट वाला। और भाई क्या क्या हो चल रहा है यहाँ पे? एडन तो क्या कोने चो एडन तो क्या बांटो ना वीडियो देख ली होगी। तो इस करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।